रामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लोराज से जा रहा है तो यहां की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनात की स्त्रियों को यह अधिकार नहीं। 18वीं सदी का वक्त हमारे हिंदुस्तान के लिए काफी कठिन था। जहां एक तरफ अंग्रेजों का कहर था तो वहीं दूसरी तरफ मुगल एम्पायर भी अपने पैर पसार रहा था और हमारे क्रांतिकारी वीर अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने देश को आजाद कराने में लगे थे। ऐसा ही कुछ किया था माई भागो ने। माई भागो जिन्हें माता भाग कौर के नाम से भी जाना जाता है, वो एक सिखनी थी जिन्होंने साल 1705 में सिख सिपाहियों को मुगलों के सामने लड़ने के लिए तैयार किया था। वो खुद जंग के मैदान में एक स्किल्ड वॉरियर की तरह लड़ रही थी और वो उन 40 सिखों जिन्हें चली मुक्ते भी कहा जाता है, उन्हें एकजुट करने के लिए जानी जाती थी, जिन्होंने आनंदपुर साहिब की घेराबंदी में गुरु गोविंद सिंह को छोड़ दिया था और वो उन्हें लड़ाई के लिए वापस लाई थी और उन्होंने उन 40 सिखों के साथ मिलकर 10,000 से भी बड़ी मुगलों की ताकत पर सेना का मुकाबला किया था और इस युद्ध को बैटल ऑफ मुक्तसर भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर इस बैटल के बारे में और बात की जाए तो गुरु को पकड़ने के प्रयास में सम्राट औरंगजेब के आदेश पर सरहिंद के वाजिर खान की लीडरशिप में एक बड़ी मुगल सेना लाहौर और कश्मीर की मुगल सेनाओं के साथ मिलकर आनंदपुर साहिब पर हमला करने की ओर बढ़ी। माई भागो ने जब सुना कि कुछ सिख जो गुरु गोविंद सिंह के लिए लड़ने के लिए आनंदपुर गए थे, लेकिन कुछ परिस्थितियों के चलते गुरु ने उन सिखों को छोड़ दिया, तब उन्हें काफी दुख हुआ था और वो उनसे मिली और उन्हें गुरु से वापस मिलने के लिए तैयार किया और उन्हें मनाया। गुरु खिदराना गांव पहुंच चुके थे, तभी माई भागो और सिख भी खिदराना पहुंचे। वो खिदराना के ढाब या पुल के पास रुकी क्योंकि वहीं से पानी मिल सकता था और इस जगह को गुरु का पीछा कर रही मुगल सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। माई भागो और सिखों ने गुरु का पीछा करने वाले मुगलों पर हमला किया और आखिरकार उस ताकतवर सेना को इन 40 सिखों और उन्हें लीड करे सरदारनी से पीछे हटना पड़ा और तभी गुरु की सेना भी वहां पर आ पहुंची और उन पर तीर बरसाए। उसके बाद जब गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध के मैदान का दौरा किया तो उन्होंने माई भागो और लीडर ऑफ डेजर्टर्स कहे जाने वाले महान सिंह को छोड़कर सभी को मरा हुआ पाया। महान सिंह जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जैसे ही गुरु ने उसे अपनी गोद में लिया उनकी मृत्यु हो गई और उनके साथ ही उन 40 सिखों के साथ साथ माई भागो के भाइयों, पति और उनके बच्चों की भी मृत्यु हो गई और वो इस घमासान युद्ध में शहीद हो गए। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने उन 40 सिखों को चली मुक्ते यानी कि 40 मुक्त लोगों के रूप में आशीर्वाद दिया और उन्होंने माई भागो की देखभाल की जिन्हें युद्ध में काफी गंभीर चोटें आई थी और उसके बाद गुरु की रक्षा करने वाले 10 वॉरियर में से एक बनी वो और मरते दम तक गुरु की और सिखों की रक्षा की और हिंदुस्तान की फीमेल वॉरियर में से एक बनी। और ऐसी एक फीमेल वॉरियर की कहानी हमें बाहुबली 3 में भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये फिल्म कैसी होगी हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।